हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, फाइनली रियलमी 3 और रियलमी 3 आई के लिए जिन लोगों ने बेटा अपडेट के लिए फॉर्म नहीं भरा था, जिन लोगों को सिर्फ 8.27 का अपडेट मिला था, उन लोगों के लिए फाइनली एक नया अपडेट वापस से आ गया है। इस अपडेट का वर्जन आपको देखने के लिए मिल जाएगा 8.28 का। तो ये अपडेट उन्हीं लोगों के लिए देखने के लिए मिला है जिन लोगों ने बेटा के लिए कुछ अप्लाई नहीं किया था, जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ 8.27 का अपडेट किया था, तो उन्हीं को ये अपडेट फिलहाल देखने के लिए मिला है। एक और बात बता दूँ, इस अपडेट की साइज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। OTA अपडेट की फाइल है 110 MB के आसपास देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही इसकी अभी मैनुअल लिंक अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पे, तो ये भी बाद में आ जाएगी। तो आप भी अगर Realme 3 और Realme 3i यूज़ करते हो तो सेटिंग में जाकर आप चेक करो, आपको भी ये ज़रूर अपडेट आया होगा। और इसके बाद ही अब आपको सीधा स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है। ये जस्ट स्टेबल अपडेट से पहला वाला ही अपडेट है, इसके बाद सीधा आपको स्टेबल अपडेट ही देखने के लिए मिलेगा, और वो स्टेबल अपडेट आपको अप्रैल के एंड तक देखने के लिए आराम से मिल जाएगा। तो बस कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, एक ऑलरेडी अपडेट रोल आउट हो गया है, आज से स्टार्ट हुआ है। अभी भी मेरे ख्याल से कई लोगों को नहीं मिला होगा, जिनको नहीं मिला है तो उनको आज रात तक या कल सुबह दोपहर शाम तक कभी भी ये अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप ज़रूर चेक करते रहना, आपको ये अपडेट ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के वजह से आपको स्टेबल अपडेट मिलने वाला है। और हाँ, इस अपडेट को करने के बाद आपको ट्रायल वर्जन का जो ऑप्शन मिलता है उसमें चेक करते रहना, अगर आपको उसमें बेटा का भी कोई ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा तो आप वो भी कर सकते हो। बट मेरी ख्याल से आपको ये अपडेट कर लेना चाहिए, इस अपडेट के बाद ही आपको स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा अप्रैल के एंड तक। तो बीच में मेरे ख्याल से बेटा अपडेट की आपको मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और इस अपडेट में कुछ ज़्यादा मतलब वही हमेशा की तरह लिखा हुआ आता है कि स्टेबल सिस्टम इम्प्रूव किया गया है, बस यही दो तीन बातें लिखी हुई आती और कुछ लिखा हुआ नहीं है। अप्रैल का अपडेट है ये, तो छोटा सा अपडेट है, कोई ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है। 110 MB की इसकी साइज़ है। तो जाओ फटाफट से चेक कर लो अपने फ़ोन में जाके, अगर आप लोग रियलमी 3 और 3i यूज़ करते हो तो ठीक है। तो इसके बाद आपको स्टेबल अपडेट ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा, ये स्टेबल अपडेट से जस्ट एक पहला अपडेट है। तो दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। यार अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और ऐसी नई खबरें अपडेट मैं लाता रहूँगा आपके लिए, तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तीन चीज़ें ज़रूर कर लेना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।